खबर भगवानपुर से है, जहां करंट लगने से राजेंद्र नामक लाइनमैन की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन ड्यूटी पर था और चुड़ियाला गांव में ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने गया हुआ था, जहां अचानक ट्रांसफार्मर में बिजली आने से युवक करंट की चपेट में आ गया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीण ने विद्युत विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राजेंद्र सिंह है, ये लाइनमैन है चुड़ियाला रेंज में। तो इनका कल ट्रांसफार्मर कुछ खराबी आ गई थी, तो लाइन के चक्कर में इनकी गैस हो गई थी करंट लगने से। तो इन्हें रात को ही मोड़ के लिए धमकी में भिजवा दिया था। आगे पंचायत नामक कार्रवाई की जा रही है, जो भी आगे कार्रवाई हो। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे विद्युत विभाग को इस घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं, साथ ही लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग SDO मनोज अग्रवाल ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि घटना की जाँच की जाएगी, यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जो राजेंद्र सिंह है, जिसकी अभी हमारे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमारे यहाँ लाइन का काम देख रहा था और ग्राम चुड़ियाला में ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस के दौरान उसको करंट लगा है। इसको करंट कहाँ से लगा, इसकी हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और जैसा भी जांच में आएगा, वो जो भी उसमें लापरवाही होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन है। कॉरपोरेशन की तरफ से हमारा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से मिसहैपनिंग होती है, तो उस केस में हम 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देते हैं। उसका अतिरिक्त इस कर्मचारी का इंश्योरेंस भी था और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी जो भी क्लेम बनेगा वो उसको दिलाया जाएगा। भगवानपुर से न्यूज स्टूडियो के लिए मुर्सलीन अलवी की रिपोर्ट।